जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि आज की क्लास है हमारी हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर हमारा पार्ट वन हो चुका है, आज पार्ट टू है और इसमें हम वन लाइनर फॉर्म में जो है क्वेश्चंस को लगाएंगे और ये वन लाइनर फॉर्म जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और इसके साथ में ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो साथ में बने रहिएगा इसी चैनल पे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, क्लासेस को बताइएगा अपने दोस्तों में कि तैयारी एग्जाम में जाने से कुछ महीने पहले करनी चाहिए, ना कि ऑन द स्पॉट करनी चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो भी हो किसी भी चीज की तैयारी नहीं होती है तो पेपर से स्टार्ट होने से पहले ही हमें तैयार रहना चाहिए। जी स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस क्लास में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का जो है, ठीक है जी, सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो रहा है, आपने जो है इस क्लास को ज्यादा ध्यान से देखना है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो क्लास वन भी देख लीजिएगा, क्लास टू भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान से देखिएगा। हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जो जल विद्युत क्षमता है वो कितनी है, अनुमानित जो है वो 23,000 है। वैसे मैंने आपको बताया है ये 25,000 तक है, कुछ हमने प्रकृति के लिए छोड़ा हुआ है मगर अनुमानित जो है वो 23,000 बताई जाती है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो कि पूर्णतया यानी कि कंप्लीटली जो है वो भूमिगत है, संजय जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। गिरिबाटा प्रोजेक्ट है ये कहां पर है? ये सिरमौर जिले में गिरिबाटा प्रोजेक्ट है जल विद्युत का जो कि सिरमौर में है। और नेक्स्ट आता है पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध परियोजना जो है वो कहां पर है? तो तलवाड़ा पंजाब के साथ ये स्थित है। इसी प्रकार से पोंग बांध जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी अटैच होता है, ये बहुत फैला हुआ है बांध जो है। नेक्स्ट है जाता है 450 मेगावाट का कि बगली हार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगली हार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो है चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटा बांध कौन सा है? सबसे छोटा बांध पंडो बांध है। आप मनाली की तरफ जाएं तो आपको पंडो देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा है। आजकल वो टूटा भी है और उसका रास्ते का काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है तो बहुत सा जाम लग रहा है सिर्फ पंडो के पास, तो आप ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर गज जल विद्युत परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गज जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये शाहपुर के पास है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, शाहपुर कांगड़ा जिला। भूमिगत जल विद्युत परियोजना मैंने आपको पता है अंडरग्राउंड है ना, तो का नाम क्या है? तो भावा परियोजना है। क्या बोलते हैं? भावा परियोजना। नेक्स्ट आ जाता है 126 मेगावाट की है लार्जी जल विद्युत परियोजना। जब पिछले साल बहुत ज्यादा फ्लड आए थे उसमें जो है बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी तो इस जल विद्युत परियोजना को भी बहुत सा नुकसान झेलना पड़ा और ये है आपकी कुल्लू में 126 मेगावाट की, कितने की? 126 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना की क्षमता, फिर से आ रहा है ठीक है कि जल विद्युत क्षमता जो है वो है 21,500 और जो हमने पहले किया था क्या किया था हमने, हाँ अनुमानित थी ये, अनुमानित थी ठीक है जी, जो कि 23,000 थी और ये है जल विद्युत परियोजना क्षमता कितनी है, तो 21,500 मेगावाट जो है वो एक्सटेंडेबल है और ये है रिड्यूसेबल, ठीक है जी। नाथपा झाखड़ी मतलब जिसको हम बना रहे हैं, नाथपा झाखड़ी परियोजना
सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 28 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है जी? 28 किलोमीटर की लंबाई है। 1020 मेगावाट की खाब जल विद्युत परियोजना है किन्नौर में। कहां पे है जी? खाब जल विद्युत परियोजना कहां पर है बच्चों? किन्नौर में स्थित है और ये सतलुज नदी पर बनाई गई। तो क्वेश्चन यहां से कुछ भी पूछ सकते हैं, खाब जल विद्युत परियोजना कहां पर है, कितने मेगावाट की है और किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलुज नदी पर ये बनाई गई है। तो इस प्रकार से हैं ये क्वेश्चन। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी जल विद्युत परियोजना पर किसी और राज्य का भी नियंत्रण है, यानी कि और राज्य मतलब पंजाब, किसका जी? पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं किसी और का नहीं, पूरा बताऊंगा आपको, पंजाब का है, वो है शानन जल विद्युत परियोजना, मंडी में है, जोगिंदर नगर के पास। नेक्स्ट आता है चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? चंबा में है। बिनबा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? कांगड़ा जिला के बानूखड पर है, कई बिन्नूखड भी बोलते हैं, कि बैजनाथ के साथ में ही है ये, तो बोलते हैं बिन्नू और बिनबा भी बोल सकते हैं, ठीक है। शोंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना ये किन्नौर में सतलुज नदी पर बनी है, कौन सी है? शोंग टोंग, या कई जगह रोंग टोंग लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो, कड़छम है और जगह का नाम भी है कड़छम, और किन्नौर में है और इस सतलुज नदी पर बनी है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार से हिब्रा जल विद्युत परियोजना थ्योट जल विद्युत की है, थ्योट में है हिब्रा, थ्योट है चंबा, सॉरी थ्योट है लाहौल स्पीति, धान भी है शिमला में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट आता है गिरी जल विद्युत परियोजना है, तो ये गिरी 1, 2, 3 पार्ट है जो कि सिरमौर में है। बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना है जो कि चंबा में है, ये याद रखिएगा। धौला सिद्ध परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे, हमीरपुर में है, ये याद रखिएगा, कहां पे है? हमीरपुर, हमीरपुर में है ये। धौला सिद्ध परियोजना कांगड़ा के साथ भी अटैच करती है पर हमीरपुर हम गिनेंगे, 66 मेगावाट की है, तैयार हो रही है, नदौन के साथ में ही है जी, ठीक है जी। इसके बाद कौन सी जल विद्युत परियोजना है केंद्र और राज्य की संयुक्त उपक्रम से बनी है? बैरासियुल भी है, चमेरा है, उल है और शानन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है सुमेज जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है? तो ये भी सतलुज नदी पर है। निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? जोगनी, सुमेज, जानती और कुर्मी, ये सभी निजी क्षेत्र में जो की जो है वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब हमारे हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयारी आपको जो है करनी है, और आपने अपना बेस देखना है कि अब हमारा बेस कितना मजबूत हो रहा है। पहला प्रश्न, सभी कमेंट करेंगे साथ में, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी के तट पर है? बनेर, गच, खोड़ी या ये सभी? सभी कमेंट करना ना भूले, आंसर साथ साथ में, बनेर के साथ जा रहे हैं सभी अपना आंसर दीजिएगा, बनेर के साथ जा रहे हैं सभी अपना अपना आंसर करते रहिएगा। करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी की सभी, खोड़ी भी है जी, बनेर भी आपका सही था, गज भी। नेक्स्ट, रुकती जल विद्युत परियोजना बेसिन नदी पर है, किस नदी बेसिन पर है? अच्छा, किस पर स्थित है, किस बेस पर? चिनाब, सतलुज, रावी या ब्यास? सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और बिल्कुल सही ऑप्शन, सतलुज नदी। आप भी कमेंट करें, वीडियो को देखें ही नहीं, आप साथ साथ में कमेंट करें, अपनी तैयारी भी देखें, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट, खुरपन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? खुरपन, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू या किन्नौर? खुरपन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो समय समाप्त, करेक्ट आंसर इज कुल्लू। नेक्स्ट, भावा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है?
भावा जल विद्युत परियोजना की क्षमता 120, 135, 155, 180। जल्दी से अपना कमेंट करें। ए ऑप्शन 120 मेगावाट। अगला सवाल, थियोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अभी बताया था मैंने आपको, थियोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? प्यारे बच्चों सभी कमेंट करिएगा, वीडियो को भी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसीलिए मैं साइड में हूं। थियोट जल विद्युत परियोजना, करेक्ट आंसर रहेगा बी, चिनाब। अगला, 260 मेगावाट हिब्रा जल विद्युत परियोजना किस नदी या किस जिले में है? सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, शिमला। सही आंसर रहेगा वो है ए, हिब्रा जो है वो है सिरमौर। अगला सवाल, देहर जल विद्युत परियोजना की जो है क्षमता कितनी है? देहर जल विद्युत परियोजना की क्षमता सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 165 मेगावाट, 165 मेगावाट ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कमेंट करना ना भूले। करेक्ट आंसर इज लाहौल स्पीति, करेक्ट आंसर इज लाहौल स्पीति। सभी अपना अपना आंसर जो है वो देते रहे, सभी साथ साथ में, वीडियो को देखे नहीं आंसर दे। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? सबसे अधिक विद्युत किस नदी पर जो है बनाई जाती है? समय समाप्त। सी ऑप्शन सतलुज नदी, सतलुज नदी की जो है विद्युत बनाने की क्षमता सबसे अधिक है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर रहे हैं, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1970, 1971, 1974, 1968। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन 1971, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान से याद रखिए। अगला है, खुरपन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति या किन्नौर? खुरपन जल विद्युत परियोजना, सभी अपना आंसर साथ साथ में कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, शेयर करना ना भूले। देख लेते हैं, खुरपन कहां है? बी ऑप्शन जी, कुल्लू, कुल्लू में स्थित है ये। अगला सवाल, चावा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चावा, ब्यास, सतलुज, रावी या यमुना? सभी आंसर करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सतलुज नदी पर है ये। अगला सवाल, आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है जी? आपको इसकी नकल भी दे देता हूं, ये आंध्रा शिमला में है जी। तो बताएं अब कौन सी नदी के बेसिन पर स्थित है आंध्रा जल विद्युत परियोजना? करेक्ट आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, यमुना। यमुना नदी के बेस पर जो है ये कुछ जो नदी है परियोजना है वो स्थित है। अगला सवाल, सरबरी जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर है? ब्यास या सतलुज, रावी या यमुना? आंसर करें बेटा, कमेंट करें, कमेंट करें, कौन से बेसिन पर आधारित है? समय समाप्त।
करेक्ट आंसर इज ब्यास। कौन से पर है? ब्यास पर स्थित है। भावा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? सभी आंसर कमेंट करिएगा। भावा जल विद्युत परियोजना की क्षमता बताएं। 120 है, 135 है, 155 है, 180 मेगावाट है। सभी अपना अपना आंसर जो है वो साथ में प्यारे बच्चों दीजिए, साथ साथ में दीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा वो है 120 मेगावाट। कितने की है? 120 मेगावाट की जो है क्षमता है। शिशु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? शिशु जल विद्युत परियोजना। भाई आंसर दो, आंसर दो, सभी आंसर दो, अच्छे से दो, काहे को बैठे हैं, आंसर दीजिए। रावी है, ब्यास है, चिनाब है या सतलुज? सही आंसर रहेगा वो है सी ऑप्शन, चिनाब। 260 मेगावाट हिबरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? चंबा, मंडी, सिरमौर या कुल्लू? हिबरा जल विद्युत परियोजना, सभी आंसर कमेंट करिएगा। हिबरा जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, मगर अभ्यास के बाद ये है कि कौन से जिले में है, तो ये है ए ऑप्शन कि चंबा, रावी नदी पर। ठीक है जी। कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना की क्षमता बताएं। कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना की क्षमता बताएं प्यारे बच्चों। 1,900, 800, 700। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट कहे हैं। अगला सवाल, देहर परियोजना की कुल क्षमता 80, 120, 165 या 265? आंसर कमेंट कर सकते हैं आप अपना अपना। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन 165 मेगावाट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपको ये तैयार करने हैं। हिमाचल प्रदेश जल विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, 1971 में हुई थी। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगी। कोल बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कोल बांध परियोजना सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, एनटीपीसी। एनटीपीसी द्वारा जो है ये काम किया गया था। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा बिजली कौन सी नदी पर बनती है? आंसर कमेंट करिए। हमारी ऑप्शंस जो है वो रिपीट हो जाती हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि रिपीट हो रही है, आपने ये सोचना है रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करवानी है। कौन सी नदी पर है जी? सी ऑप्शन, सतलुज। सतलुज की जो है वो सर्वाधिक क्षमता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सवाल, साई कोठी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साई कोठी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, चंबा। शोंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? सभी बार बार आंसर दीजिए, बार बार ऑप्शंस रिपीट हो रही हैं, क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे हम और आपने आंसर देने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गांव का अनुपात किस जिले में सबसे कम है? बिजली के मामले में सबसे कम है लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला या ऊना? अपना आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा।
सही आंसर रहेगा ए, लाहौल स्पीति में जो है थोड़ा सा अनुपात कम है। इसी प्रकार से सैंज जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, सैंज जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो सही आंसर क्या रहेगा, आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। समय समाप्त, करेक्ट आंसर इज डी, कुल्लू, कुल्लू जो है वो इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से सवड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है, 65,100 या 111 या 130। सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे वीडियो ना समझे, इसे नोट्स समझें और नोट्स बनाएं और इनको नोट कर कर लर्न करें, याद रखेंगे दिमाग में तो ही काम आएगा, क्योंकि पेपर में एक्यूरेसी का ही काम होता है। सी ऑप्शन 111 मेगावाट। नेक्स्ट आता है रोंग टोंग परियोजना किस जिले में स्थित है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या सिरमौर। रोंग टोंग, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, लाहौल स्पीति। बहुत बढ़िया जी। कोल बांध किसके सहयोग से बनाई गई, भारत और स्वीडन, भारत और रूस, भारत और ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं, किसके सहयोग से जो है कोल बांध को बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, भारत और रशिया ने मिलकर ये बनाया है। नेक्स्ट आता है जिस्पा जल विद्युत परियोजना जो है उसकी क्षमता कितनी है, 95 है, 140 है, 300 है या 350 है। अपना आंसर जो है वो साथ में कमेंट कर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर चलते हैं सी ऑप्शन, 300 मेगावाट क्षमता है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस और उनके ऑब्जेक्टिव्स। कल हम नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।